नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर और अपना जिला कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप हमारे वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको इस प्रैक्टिस सेट को अपने सभी भाइयों बहनों के पास सेंड करना है, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को करें और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है और वो यूपी परीक्षा के लिए अभी पूर्ण रूप से तैयार हुए हैं कि नहीं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है पहला, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र ये है नांग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक या RBI। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो थल सेना की कितनी कमानें हैं ये आपको बताना है। तो थल सेना की टोटल 7 कमानें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णता प्रथम भारतीय बैंक किसे कहा जाता है? तो पूर्णता प्रथम भारतीय बैंक कहा जाता है पंजाब नेशनल बैंक को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? तो नौसेना कितने कमानों में बटा थी? ये बटा है 3 कमानों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले आपके सामने, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सैनिक अकादमी स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो अब आपको बताना है 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये किया गया था 1980 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह कौन है? बंदरगाह है चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी नौसेना दिवस किस तिथि मनाया जाती है? मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है या वायुसेना दिवस? तो ये दिवस है 8 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इस क्वेश्चन बताना है आपको कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इसके प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है? तो भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित? तो ये स्थित है कोच्ची में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो ये समिति गठन किया गया था कोईपोरिया समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वायु परिवहन शुरुआत हुई थी 1911 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि RBI का वित्तीय वर्ष होता है, तो RBI का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया मुक्त बंदरगाह के नाम से? तो ये घोषित किया गया कांडला बंदरगाह को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, तो ये रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल आपको बताना था, प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक सॉ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी NDA कहाँ स्थित है? तो NDA कहाँ पर है? तो ये स्थित है खड़गवासला में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो किस राज्य में? तो ये राज्य महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई, तो वो राज्य है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, तो ये बैंक का नाम है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी जो इंदिरा गांधी के समय पर हुई? तो जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित समिति है, समिति का नाम है हजारी समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है? तो देश में राष्ट्रीयकृत कुल बैंकें 12, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को संयुक्त रूप से जाना जाता है, ये जाना जाता है ग्रैंड ट्रंक के रोड से नाम से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो भारत में वायुसेना अकेडमी स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे? तो भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रथम अध्यक्ष थे RD कटारी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई? तो भारत की वायुसेना प्रथम 2 स्थान थे इलाहाबाद से नैनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना हुई थी? तो केंद्रीय बैंक जाँच समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस बैंक
किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो किस वर्ष रखा गया, तो ये रखा गया था 1955 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओ आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता बताना न भूलें। मिलती है अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।